बाहर से थोड़ी आकर के बैठ जाता है, काम आकर के बैठ गया, क्रोध आकर के बैठ गया, लोभ आकर के बैठ गया, अंदर है ये। कोई गलत काम करता दिख जाए या गलती से उससे हो जाए तो एकदम से गुस्सा हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे। तो बताओ क्रोध हमारे अंदर गया कि अंदर से निकल के बाहर आया? अंदर से बाहर आया, वाणी के द्वारा आया। हमारी भाग भंगिमा ऐसी हो जाती है एकदम, जैसे खा जाएंगे क्या सामने वाले। तो ये अंदर के जो दुश्मन हैं उनको मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक ये नहीं मरेंगे तब तक अयोध्या का सुखी होना, समृद्ध होना बहुत कठिन है। राम जी का तो वनवास हो गया, वो तो बाहर के निशाचरों को मारने लगे, लेकिन शत्रुघ्न लाल ने सोचा कि ऐसा क्या कारण हुआ जिस कारण से राम जी को वन में जाना पड़ा, समस्या कहां से उत्पन्न हुई, पहले उस समस्या को खोजो। और वास्तविकता में हम भी अपने देह रूपी अवध में राम जी क्यों नहीं टिक पा रहे हैं हमारे शरीर में, हमारे हृदय में, हमारी बुद्धि में, इस बात की खोज करनी चाहिए। कौन सा वो कारण है जिस कारण से ठाकुर जी हमारी बुद्धि से दूर, हमारे चित्त से दूर, हमारे हृदय से दूर जा रहे हैं? तो शत्रुघ्न लाल ने उस मंथरा रूपी दोष को मारने का काम किया जिसके कारण राम जी को वनवास हुआ, उनको बन जाना पड़ा। तो हम लोगों को भी इनके जीवन से यही सीख प्राप्त करनी चाहिए, शत्रुघ्न लाल के चरणों में यही वंदन करना चाहिए, महाराज हमारे अंदर भी जो मंत्रा बैठी है उसको भी आप निकाल दो, जिससे कि हमारे हृदय से रघुनाथ जी कभी बाहर जाए ही नहीं, सदा सर्वदा के लिए हमारे हृदय में ही उनका निवास बन जाए। इसके लिए शत्रुघ्न लाल जी का नमन वंदन करना आवश्यक है। इन विषयों के कारण ही तो ठाकुर जी हमको छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि विषयों से प्रीति ज्यादा है, भोगों से प्रीति ज्यादा है। तो उन भोगों को, विषयों को मारने वाले हमारे शत्रुघ्न लाल है। तृतीय भाई का नाम हुआ शत्रुघ्न, अब चौथे भाई का नामकरण कर रहे हैं। लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, हर गुरु वशिष्ठ तेरा था लक्ष्मण नाम उदार। वास्तविकता में देखा जाए तो गुरु जी ने नामकरण तो एक ही का किया, बाकी तीनों के नामकरण नहीं किए, उनके तो लक्षण बताए, उन लक्षणों से ही उनके नाम रख दिए, नाम नहीं रखा। सो सुख धाम राम अस नाम, जो सुख के धाम है, लोगों को विश्राम देने वाले, ऐसा काम करने वाला राम होता है, इसलिए उनका नाम राम है, मैं रख रहा हूं ऐसा नहीं कहा। और विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस हुई, जो विश्व का भरण पोषण करने वाला है वो भरत होगा, भरता भरत। जिसके नाम से शत्रु भय खाए उसका नाम शत्रुघ्न होगा। तो इनके गुण बताए, नाम नहीं बताया, नाम तो अब रखा है। किसका नाम रखा? लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी कौन है? जीवाचार्य है। जीव का ही नाम रखा जाता है, ब्रह्म का कोई नाम रख सकता है क्या? लक्ष्मण जी हमारे जीव हैं, तो उनका नाम रखा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। सकल जगत के आधार हैं। कौन है ये? साक्षात शेष ही, जिनके मस्तक पर ये पृथ्वी टिकी हुई, वही शेष वहां साकेत में, वैकुंठ में, गोलोक में अपनी गोद में भगवान को लिटाए रहते हैं, उनके बिना एक पल नहीं रह सकते। वही शेष जी आज लक्ष्मण का रूप लेकर के यहां भगवान की सेवा के लिए आए। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। यहां लक्ष्मण जी के नाम के पीछे उदार शब्द लगा दिया तो किसी ने पूछा, बोले महाराज लक्ष्मण जी उदार कहां है? उदार किसको कहते हैं? हम लोग तो संसार में उन्हीं को उदार मानते हैं। कहीं कोई काम हो रहा हो, मंदिर बनना हो, या जैसे ये गौशाला बन रही है,
यहां हम शेड बनाने के लिए, गायों के भूसा के लिए, किसी चीज के लिए किसी के पास गए, बोले गौशाला बन गई है, आप भी कुछ सहयोग दे दीजिए। अब उस व्यक्ति ने 2-5-10 लाख रुपए दे दिए तो हम क्या कहते हैं, अरे साहब बड़े उदार हैं, क्या कहना, बहुत बड़े उदार हैं ये तो। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो वो उदार नहीं है, वो व्यापारी है, उसने व्यापार किया है। कैसे, आप बाजार में जाओगे, दूध लोगे 10 रुपए का तो 10 रुपए दोगे दूध ले लोगे, 10 रुपए का नमक लोगे तो 10 रुपए दोगे नमक ले लोगे, अब कोई तुम्हारा हिसाब किताब बराबर हो गया, तुमने रुपए की जगह नमक ले लिया, दूध ले लिया, शक्कर ले ली, जो ले लिया। उसी प्रकार से इस प्रकार के किसी शुभ कार्यक्रम में, आयोजन में हम कुछ धन देते हैं और उस धन के बदले कीर्ति ले लेते हैं तो हिसाब बराबर हो जाता है, ये व्यापारी तो है। और है क्या, हमने कीर्ति खरीद ली, हमने यश खरीद लिया, तो ये उदारता कहां रही। उदारता तो वह है जो हम देवी दें, ऐसा कहते हैं ना, ये हाथ दे तो इस हाथ को मालूम भी नहीं पड़े, दायां हाथ दे तो बाएं को भी नहीं मालूम पड़े। और यहां तो बड़ी समस्या है, 1000 रुपया भी देंगे तो लड़ जाएंगे, हमारा नाम पहले लिखो, हमारा नाम क्यों नहीं लिखा तुमने। कई लोग तो इसी कारण से नाराज होकर के संस्था छोड़ करके चले जाते हैं, हमारा नाम नहीं लिखा। नाम की भूख इतनी हो गई है, क्या बताएं। एक जगह हमारी कथा हो रही थी, बहुत बढ़िया सत्संग भवन था, गर्मियों का समय था, पंखे लगे हुए थे, खूब बढ़िया प्रेम से सब लोग कथा सुन रहे थे, पंखे अपने चल रहे थे, हम अपने चल रहे थे, श्रोता अपनी कथा सुन रहे थे, आनंद से कथा होते होते 1-1.5 घंटा हो गया। बीच में एक सज्जन आए, उन्होंने आकर के बटन बंद कर दिए, सारे पंखे बंद कर दिए। जेठ का महीना, खूब गर्मी, और लोग भी ज्यादा थे, तो जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वैसे भी गर्मी हो जाती है, अब बहुत अधिक गर्मी हो गई, उन्होंने पंखे बंद कर दिए। किसी ने पूछा, अरे ये क्या कर रहे हो, पंखे क्यों बंद कर रहे हो, गर्मी है, पंखे चालू रहने दो। तो उसको भी गुस्सा हो गई, बोले पंखे चालू रहने दो, पंखे चालू रहने दो, क्यों रहने दो, नहीं पंखे बंद रहेंगे, तुमको मालूम है जो पंखे किसने लगवाए। बोले हमें क्या मालूम किसने लगवाए। बोले मैंने लगवाए सारे पंखे, एक एक पंखे पे मैंने अपने एक एक पुरखे का नाम लिखाया, ये चलते रहेंगे तो कौन पढ़ेगा, इसलिए बंद रहेंगे तो सब पढ़ेंगे, इसलिए बंद रहने चाहिए। बोले जब कोई नहीं हो तब चलाओ। तो अब बताओ आप, जब ऐसी स्थिति होगी तो उसको उदारता कहा जाएगा। हम अपने नाम को खरीद रहे हैं, अपने नाम का, अपने यश को खरीदने के लिए 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। अब ऐसे लोग कहां हैं जो गुप्त दान करते हैं, अब तो खुला दान होता है, बोल करके करना पड़ता है। हम यश लेना चाहते हैं और संसार का यश अर्थ के बल से मिल जाता है। लेकिन लखनलाल जी कैसे हैं, वो जो भी कुछ कर रहे हैं, लड़ जाते हैं दूसरों से, कौन के लिए, ठाकुर जी के लिए, और उसका यश कौन को देते हैं, ठाकुर जी को। बोले भैया सब कुछ करने वाले मेरे रघुनाथ जी हैं, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। जैसे लखनलाल सब काम ठाकुर जी के लिए करते हैं और उसका पूरा यश ठाकुर जी को दे देते हैं, इसीलिए वो उदार हैं, बाकी तो सब केवल संसारी हैं, व्यापारी हैं। हम दिखाने के लिए भले ही कह देते हैं हाँ हमारा ठाकुर जी करने वाले हैं, कराने वाले हैं, तो फिर काय को अपना नाम दिखाते हो। अगर शेड पे नाम नहीं लिखा हो तो गुस्सा हो जाते हैं। हम तो देखते हैं ना, जड़खोर में एक बार ऐसा हो गया था, नाम नहीं लिखा तो हल्ला हो गया कि नाम नहीं लिखाया हमारा, अब लिखाना पड़ता है। लेकिन वास्तविकता की बात यह है कि आप दो, लेकिन नाम क्या करोगे लिखा करके। अच्छा पत्थर लिखाया तुमने, साल 2 साल 5 साल बाद वो टूट जाएगा। आप देखो नेता लोग कितनी सड़कों के उद्घाटन करते हैं, जगह जगह पत्थर लग जाते हैं, 2-4 महीने बाद वो पत्थर टूट करके गिर जाता है, मालूम भी नहीं पड़ता किसने करा। आज तुमने पत्थर लगवा भी दिया, कल वो जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, उसको कोई दूसरा आकर के बनवाएगा, फिर वो पत्थर लग जाएगा, क्या फायदा रहा।
तुमने जो कमाया वो भी तुम्हारे साथ नहीं गया, एक पत्थर लगवाने से एक प्लेट लगवाने से कमाई हमने यही खर्च कर दी। इसलिए जो पुण्य की कमाई कर रहे हो उसको साथ ले जाने की चेष्टा करो, यही खर्च करके मत जाओ। जब यही खर्च हो जाएगी तो जेब खाली जाएगी, वहां क्या करोगे। इसीलिए जब भी आपको दान पुण्य खूब करना चाहिए, लेकिन उसका प्रचार नहीं करो। बोले ये ठाकुर जी की संपत्ति है, ठाकुर जी में लग रही। हम कौन है? बोले केयर टेकर। आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसा होता है, बहुत धनवान परिवार होता है, उसमें कोई इकलौता बालक हो और माता पिता अस्वस्थ हो, वो ऐसा लगता है उनको कि हम ज्यादा नहीं जिएंगे, बच्चा अभी छोटा है, तो वो वसीयत लिख देते हैं और उस वसीयत में ये लिखा जाता है, वकील के द्वारा लिखवाते हैं, नोटरी में जाकर के उसको रजिस्टर्ड करा देते हैं। बोले जब तक हमारा बच्चा 18 साल का या 20 साल का नहीं हो जाता, तब तक अमुक व्यक्ति इस सारी संपत्ति की देखरेख करेगा, और जब हमारा बच्चा 18 साल का हो जाएगा तब उसकी सारी संपत्ति को संभालने का अधिकार इसको होगा। ऐसा होता है ना? तो किसी एक घर के व्यक्ति को या अपने किसी परिचित व्यक्ति को उसका केयर टेकर बना दिया जाता है। अब वो व्यक्ति उस बच्चे की भी देखरेख करता है, उसकी सारी संपत्ति की भी देखरेख करता है कि उसको कहीं नुकसान ना होगा। तो आप सब लोग बुद्धिमान है, अब आप बताओ वो व्यक्ति उस संपत्ति में से खुद उपभोग करने लग जाए तो वो व्यक्ति ठीक है? नहीं है ना। और यदि बच्चे को 18 साल का हो भी गया, उसके बाद वो उसको बतावे नहीं कि ये संपत्ति अब सब तेरी है और तेरे पिता ने मुझे तो केवल एक तेरा अभिभावक बना करके रखा था, अब तू सामर्थ्यवान हो गया भैया, ये तू तेरी संभाल, हम तो चले। ऐसा यदि वो करता है तो वो व्यक्ति है धर्मात्मा। और यदि वो व्यक्ति उस सारी संपत्ति को हड़पने की और अपने बनाने की चेष्टा करता है तो वो कौन है? पापी, दुरात्मा। तो उसी प्रकार से ये जो संपत्ति मिली है ना हमको, ये सब भगवान की है। हमको तो केयर टेकर बना करके भेजा है कि इसको तुम संभाल करके रखो, जब मैं कोई दूसरा भेजूंगा उसको हैंडओवर कर देना और तुम अपना काम करके निकल जाना। उसमें तुम्हारे लिए इतना है कि तुमको जितना जीने के लिए चाहिए उतनी तुम इस्तेमाल करते रहो, बाकी आगे ट्रांसफर कर देना, इसको अपनी मत मानना। अपनी मानते ही तुम धर्मात्मा की जगह दुरात्मा हो जाओगे, पापी हो जाओगे। तो ये पाप से हमको बचना चाहिए। सारी संपत्ति भगवान की है, हम क्या दान कर रहे हैं उसमें से? हमारी सामर्थ्य है क्या? लाए थे क्या कि जब हम पैदा हुए तो 10 लाख रुपए का चेक लेकर के आए थे, लोग बताइए ये आप हमारे ऊपर खर्चा करोगे निकाल लेना, ऐसा होता है? कुछ नहीं लाए थे, सब ठाकुर जी का है। इसलिए संपत्ति सब रघुपति के आई, ठाकुर जी की है, ठाकुर जी के लिए लगा दो, यही सच्चा धर्म है। तुम्हारा लखन लाल जी ऐसे ही है, जो कुछ करते हैं उस सबका यश ठाकुर जी को देते हैं, और करते भी किसके लिए है? ठाकुर जी के लिए। अपने नाम की ख्याति हो, मुझे लोग जाने, इसके लिए लखन लाल जी ने आज तक कोई काम नहीं किया। जो भी किया ठाकुर जी की कीर्ति के लिए, क्योंकि भगवान की कीर्ति के ध्वजा के दंड श्री लखन लाल। चारों भाइयों के नाम रख गए, पूरी सभा में जय जयकार होने लगी। बोलो चारों भैया ने की जय। श्री दशरथ जी पूछने लगे, महाराज आपने इनका एक एक नाम रखा, और एक एक दो दो नाम और रख देते तो बड़ा अच्छा रहता, क्योंकि हर माता पिता को लगी रहती है, एक स्कूल का नाम अलग होता है, घर का नाम अलग रख लेते हैं, P2W2 Dolly Q2 Q2, ऐसे कुछ ना कुछ नाम रख ही लेते हैं। तो बोले इनका भी कोई और एक और नाम हो जाए। तो वशिष्ठ जी कहने लगे, महाराज एक नाम की बात कह रहे हो, इनके तो इतने नाम होंगे कि आपको ही याद नहीं रहेंगे। बोले कैसे? हाँ, इनके नाम अनेक अनुपा,
नाम गुर हृदय विचारी वेद सत्व तव सुख विचारी हरे नाम गुर हृदय विचारी वेद तव सुख विचारी। इनके नाम अनेक अनोखा अनेक नाम होंगे महाराज, आपके बालक जैसी जैसी लीला करते जाएंगे वैसे वैसे ही इनके नाम होते जाएंगे। चारों बच्चों के नामकरण हो गए, महाराज दशरथ परम प्रसन्न हुए। आज पुनः उन्होंने गुरुजी को ब्राह्मणों को खूब दान दिया और खूब उनको रत्न आभूषण गऊ दान करके आनंदित कर दिया। इसी प्रकार से भगवान के नामकरण की लीला हुई और नामकरण की लीला के बाद में गोस्वामी जी महाराज भगवान की बाल लीलाओं का स्मरण करते हैं। जब से ठाकुर जी आए हैं तब से इस अवध में महात्माओं की टोलियों की टोली आई चली जा रही है। बिना बुलाए ठाकुर जी अब थोड़ा सा घुटबन भी चलते हैं और कभी कभी अवध के दीवालों को पकड़ करके चलना भी सीख रहे हैं। नित इस अवध में महात्माओं के वृंद चले आ रहे हैं, एक से एक दिव्य, जो हिमालय में बैठ करके अपने तन को कस रहे थे, अनेक अनेक पर्वत की श्रृंखलाओं में बैठ करके योग में समाधिस्थ होकर के बैठे थे, वो सब अपने अपने उन समाधियों को छोड़ करके और अवध के लिए आ रहे हैं। अवध में आकर के दशरथ जी के दर्शन, दशरथ जी के पुत्र के दर्शन करने के लिए आते हैं। वहां दर्शन करना है तो कुछ ना कुछ बहाना चाहिए, बहाना क्या, भिक्षा का, भिक्षा करने के लिए जा रहे हैं। तो कौशल्या जी देखती हैं कि रोज महात्मा आते हैं, इतनी अधिक संख्या में आते हैं। तो एक दिन कौशल्या जी तो रहा नहीं गया और महात्माओं के वृंद आए, टोली आई बड़ी दिव्य। कौशल्या जी ने पूछा, बोले महात्मा जी एक बात बताइए, ये अवध कोई नई तो बनी नहीं है, पुरानी है, यहां हम लोग पहले भी रहते थे लेकिन पहले कभी इतने महात्मा नहीं आते थे, और आप लोगों को देख करके लगता नहीं है कि आपको भिक्षा की आवश्यकता है, फिर भी आप यहां आते हो, क्यों, क्या कारण है? मैं देख रही हूं जब से मेरे यहां पुत्र जन्म लिया है तब से आप लोग बहुत अधिक संख्या में आने लगे। तो महात्मा कहने लगे, मां क्या बताएं, हमें तो अपने भाग पे इस समय बहुत ज्यादा दया आ रही है कि हमको मनुष्य क्यों बना दिया उस विधाता ने, उस विधाता ने हमको मनुष्य क्यों बनाया। अरे हम तो कहते हैं उस विधाता से हमें अगर अवध के महलों का पत्थर बना देता तो कम से कम सरकार के स्पर्श का सुख तो मिलता, हम उस सुख के लिए यहाँ आते हैं, उनके दर्शन के लिए आते हैं, जिस सुख को हम समाधि में बैठ करके लेना चाहते हैं वो सुख को देने वाले वो जगदीश माँ तेरी कोख में, तेरी गोद में खेलते हैं, तेरे इस अवध के महलों में खेलते हैं, उनका दर्शन करने के लिए, उनका स्पर्श करने के लिए हम आते रहते हैं। सही बात है, जो भगवान को चाहने वाले हैं उनका तो यही स्थिति होती है, मन ही नहीं लगता। इसीलिए तो हमारे यहां बिहारी जी में बार बार पर्दा लगा देते हैं, एक तक मत देखो नहीं तो समस्या हो जाएगी, ले जाओगे लाला को कहीं ना कहीं, पर नजर भी बड़ी जल्दी लगती है। ये तो देखो ठाकुर जी की लीला, काले हैं तब इतनी नजर लगती है, गोरे होते तो पता नहीं क्या होता। हमारे ब्रज के रसिक संत कहते हैं ना, नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़ अंक। वास्तव में इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, राम कृष्ण दोनों ही अद्भुत हैं, उनके रूप की महिमा को कहां तक।
एक बार जिसने देख लिया बस फिर कहना ही क्या, फिर वो निकलते नहीं है। हमारी ब्रज की गोपियां कहती है ना, उर में माखन चोर अड़े, अब कैसे वो नहीं निकसत सजनी, तिरछे भय जो अड़े, उर में माखन चोर अड़े। उनको देख देख करके इतना हृदय में बिठा लिया है, ऐसे हृदय में बैठ गए हैं तिरछे होकर के, अब निकलने वाले नहीं है। सहज में कोई प्रयास करे इनको निकालने का तो निकल नहीं सकते, खूब कोशिश करते हैं कि कैसे भी निकल जाएं, लेकिन निकलते कहां, नहीं निकलते। हम भी ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु जैसे आप अवध वासियों के हृदय में विराजमान हो गए, जैसे आप ब्रजवासियों के हृदय में विराजमान हुए, उसी ढंग से आप हम सबके हृदय में भी विराजमान हो जाओ, जिससे कि आपको भूलने की आदत जो है वो हमारी समाप्त हो जाए। और वो तभी समाप्त होगी जब वो विराजमान हो जाए, एक बार वो बैठ जाए। राम कृष्ण का स्वरूप बड़ा अद्भुत है, उनके दर्शन करने के लिए वृंद के वृंद वहां चले आते हैं। एक दिन की बात, मैया कौशल्या राम लला को पलना में झुला रही थी, सुला रही थी कि लाला सो जाए तो फिर मैं आगे का कुछ कार्य कर लूं। तो मैया लाला को पलना में लेकर के सुनाने लगी, लोरी गागा करके, सो जा सो जा सो जा रे लाल सो जा, मैया तुझको सुला दी, सो जा सो जा रे लाल सो जा, मैया तुझको सुला दी, सो जा सो जा सो जा रे लाल सो जा, मैया तुझको सुला दी, सो जा सो जा सो जा रे लाल सो जा, चंदन का बनाए।